नोवेल कोरोना वायरस एक नया कोरोना वायरस है जिसे पहले पहचाना नहीं गया है। इस बीमारी के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम या निमोनिया जैसे होते हैं। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कैसे फैलता है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इंसान के शरीर में पहुंचने के बाद कोरोना वायरस इसके फेफड़ों में संक्रमण करता है। इस कारण सबसे पहले बुखार, उसके बाद सूखी खांसी आती है, बाद में सांस लेने में समस्या हो सकती है। वायरस के संक्रमण के लक्षण दिखना शुरू होने में औसतन 5 दिन लगते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ लोगों में इसके लक्षण बहुत बाद में भी देखने को मिल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों तक का समय हो सकता है। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये समय 24 दिनों तक का भी हो सकता है। कोरोना वायरस की घातकता, कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़ों की तुलना में मरने वालों की संख्या को देखा जाए तो लोग बेहद कम हैं। इन आंकड़ों की माने तो संक्रमण होने पर मृत्यु की दर केवल 1 से 2% ही हो सकती है। फिलहाल कई देशों में इससे संक्रमित हजारों लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस का इलाज इस बात पर आधारित होता है कि मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि व्यक्ति का शरीर के वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। कैसे आया कोरोना वायरस? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस चीनी शहर वुहान के समुद्री जीवों को बेचने वाले बाजार से निकला। आशंका व्यक्त की जा रही है कि सभी बड़े मामले जानवरों से भी फैले हैं। हालांकि अब नए केस जो सामने आ रहे हैं इससे यही लग रहा है कि कोरोना एक इंसान से दूसरे में छूने से फैल रहा है। आसान शब्दों में समझें तो अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो दूसरा व्यक्ति जो उसके संपर्क में आएगा उसे भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। मास्क पहनना, कोरोना वायरस इतना ज्यादा और इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर कोई इससे बचने का तरीका खोजने में लगा है और इसी क्रम में आधी जनता सर्जिकल मास्क पहनकर सड़कों पर घूम रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो मास्क पहनने से इन्फेक्शन फैलने का रिस्क कम नहीं होगा। सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों में मौत के आंकड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वैसे लोग जिन्हें पहले से किसी तरह की कोई बीमारी है या फिर वैसे लोग जो लंबे समय से बीमार हैं उन्हें भी इस बीमारी या इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक है। कोविड-19 से बचाव, कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। नहीं तो अब तक इसकी कोई वैक्सीन यानी टीका आया है और न ही इसके बचाव के लिए कोई एंटीवायरल दवाई बनाई गई है। कोरोना वायरस शरीर पर दुष्प्रभाव, कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण बेहद मामूली होते हैं लेकिन इससे लोगों की जान भी जा सकती है। शरीर के भीतर जाने के बाद ये वायरस इंसान के लिए सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है। इसका पहला हमला आपके गले के आसपास की कोशिकाओं पर होता है, इसके बाद सांस की नली और फेफड़ों पर हमला करता है, यहाँ अपनी संख्या बढ़ाता है। इंक्यूबेशन पीरियड, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड लक्षण दिखने तक का वक्त अमूमन 14 दिन है। अब तक जो मामले सामने आए हैं उनके आधार पर कहा जा रहा है कि संक्रमण के 5 दिन के भीतर लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अधिक जोखिमों में ये लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी गंभीर बीमारियों से पीड़ित, डायबिटीज से पीड़ित, डायलिसिस कराने वाले क्रोनिक किडनी रोगी, लिवर के गंभीर रोगी, या किडनी के अभाव या
सर्वं वाले रोगी अत्यधिक मोटापे से ग्रसित गर्भवती महिलाएं तंत्रिका तंत्र की कमजोरी से पीड़ित कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग कैंसर रोगी एनिमिक लोग 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग नर्सिंग होम या दीर्घकालिक देखरेख की सुविधा में लगे लोग पुराने फेफड़ों की बीमारी या अस्थमा से पीड़ित कोरोना वायरस की अब तक न तो कोई वैक्सीन है और न बन सकी है। फिलहाल इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है एहतियात बरतना, कोरोना वायरस दोबारा हो सकता है। विज्ञान कहता है कि एक बार किसी वायरस का संक्रमण होने के बाद इंसानी शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति इस वायरस से लड़ना सीख जाती है। इस कारण वो वायरस इस इंसान को फिर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन क्या आप एक बार कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो गए हैं तो ये वायरस आपको दोबारा संक्रमित करेगा? अभी ये ठीक नहीं कहा जा सकता।